अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? मैं देखो कैसे होंगे। आज हम लोग पॉइंटर को यूज़ करते हुए अपना एक प्रोग्राम जनरेट करने वाले हैं। सही, पॉइंटर को यूज़ करते हुए हम एक प्रोग्राम जनरेट करेंगे स्वैपिंग का। सही, तो उसको आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर आके वेरिएबल ले लेता हूँ अपना एक्चुअल वेरिएबल जो हमारे पास होता है, कौन है ए इज इक्वल 5 रखा है मैंने, बी इज इक्वल मैंने रखा है 9 के, सी हमारे पास ऐसी है। सी अब पॉइंटर के जो वेरिएबल है उनको डिक्लेयर करते हैं। स्टेरिक A1 कॉमा स्टेरिक A2 स्टेरिक A3। सही, मैंने A3 को बराबर रखा A1 के। सही, A3 को मैंने बराबर रखा किसके? A1 के। से पहले A1 मेरे पास बराबर है A के, A2 मेरे पास बराबर है B के, A3 मेरे पास बराबर है C के। सही, यहाँ तक मैंने इनको डिक्लेयर किया और यहाँ पे आके A3 को मैंने बराबर रखा है A1 के। A1 को मैं बराबर कर देता हूँ A2 की वैल्यू के। सही, और A2 को मैं दोबारा बराबर कर देता हूँ A3 की वैल्यू के। इधर आने के बाद अब मुझे करना यह है, मैं अपने जो नॉर्मली है उनको आके, मतलब जो चीज़ मुझे प्रिंट करानी है, प्रिंट ऐप में आके ए वैल्यू इस A1 प्रिंट कराना है या ये A2 और B। सही, अभी यहाँ पे जो आ रहा है वो एड्रेस मेरे पास कॉल हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे आके स्टैटिक लगा देता हूँ। A की वैल्यू मैंने यहाँ क्या दी थी, 5, यहाँ पे 9 आ रही है, और B की वैल्यू 9 थी, यहाँ पे 5 हो रही है। मतलब ये वैल्यू आपस में मैं स्वैप कर चुका हूँ, आपके सामने है। A की वैल्यू को मैंने 5 रखा था, यहाँ पे 9 आ रही है, B की वैल्यू को 9 रखा था, यहाँ पे 5 आ रही है। मतलब जो मैंने प्रोग्राम बना रहा था पॉइंटर को यूज करते हुए वो सक्सेसफुली वर्क कर चुका है। सही, ये आपके सामने। ओके, अल्लाह हाफिज़।